ब्रेन, ओके। आपका जो फोर ब्रेन होता है, इट कंटेन्स थ्री पार्ट। हेलो, हाय एवरीवन, माय सेल्फ शिवानी शर्मा, होप ऑल आर यू डूइंग सो वेल। टुडे वी आर गोइंग अ डिस्कस टॉपिक विद यू, दैट इज फ्रॉम चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड टॉपिक नेम इज योर ब्रेन। ओके, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई गेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ब्रेन। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ब्रेन, फ्रॉम विच जर्म लेयर ब्रेन इज ओरिजिनेटेड? सो ब्रेन हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्म लेयर ऑफ एक्टोडर्म। ओके, तो ब्रेन का जो ओरिजिन है, व्हाट इज इट? इट इज एक्टोडर्म। क्लियर? आपका जो ब्रेन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। आपका एक होता है फोर ब्रेन, सेकेंड इज योर मिड ब्रेन, एंड थर्ड इज योर हाइंड ब्रेन। थर्ड इज योर हाइंड ब्रेन। ओके, आपका जो फोर ब्रेन होता है, इट कंटेन्स थ्री पार्ट। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सेरिब्रम, ओके। एक होता है आपका डायन्सिफेलॉन, एंड थर्ड होता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब देखो, जो ये आपका डायन्सिफेलॉन है, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। व्हाट आर दीज थ्री पार्ट? पहला होता है आपका एपिथैलेमस, एंड सेकंड होता है आपका थैलेमस, एंड थर्ड होता है आपका हाइपोथैलेमस। ये आपके तीन पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं आपके। एक होता है आपका सेरिब्रल पेडेंकल्स, नेक्स्ट होते हैं आपके कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। अब क्वाड्री से आप क्या समझते हो? फोर। सो इसमें क्या होंगे? दो सुपीरियर कॉलिक्युली, टू सुपीरियर कॉलिक्युली, एंड नेक्स्ट होते हैं आपके टू इंफीरियर कॉलिक्युली। क्लियर? अब आपका हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है आपका? यहाँ होता है आपका सेरिबेलम, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन। देन होता है आपका पॉन्स, देन आपका होता है यहाँ मेड्यूला। क्लियर? तो ये सब किस में आया? आपके ब्रेन में। अब ये बात याद रखना, दिस सेरिब्रल पेडेंकल्स, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, पॉन्स एंड मेड्यूला, वॉट इट्स फॉर्म? इट फॉर्म दी ब्रेन स्टेम। ये क्या फॉर्म करता है आपके ब्रेन में? ये ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? सो लेट्स जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सपोज करो ये आपका स्कल है। आपका जो ब्रेन है, किससे प्रोटेक्टेड है? वो आपके स्कल से प्रोटेक्टेड है, यस और नो? सेकेंड, आपके ब्रेन में प्रोटेक्टिव लेयरिंग्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये कौन सी लेयर्स हैं? दिस इज अ मेनिंजेस। अब जो आपका ब्रेन होता है, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम ऐसे फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये फोल्ड्स बनाए मैंने। दिस इज व्हाट? दिस इज योर सेरिब्रम। ये क्या हो गया आपका? सेरिब्रम। अब याद रखना, सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं। ये सपोज राइट सेरिब्रम है, ये लेफ्ट सेरिब्रम है। इट इज ज्वाइंट टुगेदर बाय अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन, जिसको मैं बोलती हूँ कॉर्पस कैलोसम। तो ये सपोज करो, यहां पर मेरा ये कॉर्पस कैलोसम है। दिस इज माय कॉर्पस कैलोसम। ऐसे बना लेते हैं, एक मिनट। दिस इज माय कॉर्पस कैलोसम, ओके। फिर मेरा मिड ब्रेन आता है, जिसमें मेरा यहाँ पर होता है आपका थैलेमस। दिस इज माई थैलेमस, एंड ये मेरा हो गया यहाँ पर एपिथैलेमस। दिस इज माई एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के लोअर साइड पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। यहाँ पर मेरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस। सपोज दिस इज माई हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस हेयर इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड यहाँ पर आपको मिड ब्रेन के पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये सपोज करो मेरा यहाँ पर सेरिब्रल पेडेंकल्स हो गया, एंड यहाँ मेरा ये कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना हो गया। क्लियर? फिर यहाँ पर आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन होता है, विच इज योर सेरिबेलम। ये सपोज करते हैं हमारा सेरिबेलम है। दिस इज योर सेरिबेलम। ये सपोज करा मैंने, मेरा सेरिबेलम है। जस्ट अ सेकेंड।
ये सेरिबेलम हुआ यहाँ पर, एंड इधर की साइड आपका क्या होता है, पॉन्स एंड मेड्यूला। ये पॉन्स एंड ये आपका मेड्यूला। तो मैंने आपको बोला था ना, आपका जो मिड ब्रेन है एंड पॉन्स एंड मेड्यूला, दे आर फॉर्मिंग अ ब्रेन स्टेम। तो ये ऐसे करके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, एंड इसके अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पास कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन। सो लेट स्टार्ट लेबलिंग। तो देखो, जो आपका ब्रेन होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोन। आपके ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, जो स्कल जिसे आप बोलते हो। इस स्कल बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बॉक्स। सो यू एंड मी, ऑल द वर्टिब्रेट्स, वी आर क्रेनिएटा, बिकॉज वी ऑल हैव अ क्रेनियम बॉक्स। सो ये जो आउटर लेयर है किसकी है, आपके स्कल की। क्लियर? स्कल इज अ बोनी लेयर। आपका ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है, स्कल से। फिर जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर किसकी है, मेनिंजेस की। सो जब भी एक न्यूरोसर्जन को सर्जरी परफॉर्म करना है, पहले वो स्कल को ओपन करेगा, देन वो मेनिंजेस को ओपन करेगा। क्लियर? फिर ये आपका फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, विच इज योर सेरिब्रम। एंड सेरिब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड हम बोलते हैं इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंट, बिकॉज दे हैव अ मिलियन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखो, ये सपोज करो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, जस्ट सपोज दिस इज अ राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, एंड ये आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। आपका जो ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, ये दोनों किससे जॉइंड है, अ ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, अ ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलोगे आप इसे, कॉर्पस कैलोसम। सो ये क्या हुआ हमारा, दिस ब्लू वन, दिस इज योर कॉर्पस कैलोसम। क्लियर? अब आप नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया था डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में जो ये बीच वाला पार्ट है, दिस इज थैलेमस, जो थैलेमस की रूफ बना रहा है, छत बना रहा है, दिस इज योर एपिथैलेमस। एपिथैलेमस के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड है, जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, दिस वन। पीनियल ग्लैंड हम मानते हैं कि दिस इज अ वेस्टिजियल ऑफ अवर थर्ड आई, एंड इट कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन का सिक्रीशन, जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। ओके, ये क्या करेगा, मेलाटोनिन का सेक्रेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल साइकिल कंट्रोल होती है। समझ आ रहे? नेक्स्ट, आपका जो बेस होता है डायनसेफेलॉन का, बेस किस कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, हॉर्मोन। तभी समझ में आया, हाइपोथैलेमस को मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? ये आपके मिड ब्रेन हो गए, ये आपका सपोज करो सेरिब्रल पेडेंकल्स हो गया यहाँ। सपोज दिस इज योर सेरिब्रल पेडेंकल्स, एंड दिस साइड इज योर कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ओके, ये क्या हो गया आपका, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। क्लियर? अब यहाँ पर आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, विच इज योर सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आई विल टीच यू जब मैं आपको सारे फंक्शंस बताऊंगी। नेक्स्ट, ये यहाँ पर क्या हो गया आपका, दिस अपर पार्ट इज योर पॉन्स, एंड ये जो लोअर पार्ट है, ये क्या हो गया आपका, मेड्यूला। ये ब्रेन स्टेम दिख रहा है, इसके बीच में एक कॉर्न है, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तभी जो ब्रेन का सीएसएफ फ्लूइड होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है। सो दैट्स ऑल इन द टॉपिक ऑफ ब्रेन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑल दिस पार्ट, एंड देन मैं आपको मेनिंजियस लेयर्स के बारे में बताऊंगी कि मेनिंजियस लेयर्स किससे बनी होती है, ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ओके, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।